शिद्दत वाली गर्मी और कोरोना के खतरे के बीच लॉकडाउन में माहे रमजान का रोजा बीत गया और 30 दिन के रोजे के बाद इनाम के तौर पर ईद मिली। इसी क्रम में ईद उल फित्र का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। कोरोना को लेकर सामाजिक दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन फासले नहीं, इस बात की तस्दीक रांची में मनाई जा रही ईद कर रही है, जब मस्जिदों और ईदगाहों की जगह अपने ही घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे लोगों ने ईद का त्योहार मनाया। ईद के दिन ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने का रिवाज है, लेकिन झारखंड में चल रहे मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से धार्मिक स्थलों पर जाने की पाबंदी है। इसलिए रमजान के महीने की तरह ही इस बार ईद का त्योहार घरों में ही रहकर लोग मना रहे हैं और घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर नमाज अदा की। नमाज के बाद भले ही लोगों ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया, लेकिन सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और अल्लाह ताला से इस बीमारी से निजात की दुआ मांगी। नमाज के बाद खासकर कोरोना के लिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क, झारखंड सबके लिए दुआ किया गया कि इस कोरोना से सबको निजात हो जाए। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से अपने अपने घर में हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की। बहरहाल कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोग हर वक्त इससे एक जंग लड़ रहे हैं। इसी तर्ज पर सोशल डिस्टेंस इनके साथ घरों में ही इबादत कर ईद का भी त्योहार मनाया जा रहा है और इस बार लोग गले नहीं बल्कि मिलकर दिल मिला रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।